الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى أصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بہت مختصر سے وقت میں اس آیت کے تحت وہ موضوع جو مجھے فرمایا گیا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا شکر کہ ہم سب انسان ہیں آپ سب ہیں نا انشاءاللہ کا کیا مطلب الحمدللہ شبہ ہے آپ کو اللہ کا شکر کہ ہم سب مسلمان ہیں میں نے ان دونوں لفظوں کا معنی پوچھنا ہے آپ سے سب نے کہا الحمدللہ ہم انسان ہیں سب نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں انسان کے کیا معنی ہیں مسلمان کے کیا معنی ہیں جامعہ مسجد حنفیہ اٹک شہر کے رہنے والوں مجھے بتاؤ آپ نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا ہر سال آپ کے ہاں جلسوں کی بہار ماشاءاللہ جس طرح ناظم جلسہ اعلان کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا سارے جلسے ہی اسی شہر میں ہو رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے تو ذرا مجھے لفظ انسان کا معنی بتاؤ
चुप हो आप, चलो मुसलमान का बताओ सब चुप। कमजोरी, यही हमारी कमजोरी है जिससे गैर फायदा उठा रहे, उनकी जरूरत नहीं आपके किसी आलिम से टकराए, वो आपको पकड़ते हैं क्योंकि उनको पता है इनको कुछ मालूम जिस दिन आपने सीख लिया उस दिन किसी दूसरे के लिए पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं होगी। मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करो। रिज़्क, आप रिज़्क का माना खाना समझते हो, रिज़्क के माने दी हुई चीज, रिज़्क के माना अतिया दी हुई चीज। तो औलाद किसने दी है? अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह ने दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। दो बेटे मिले हैं तो एक को आलिम दीन बनाओ, दो रुपए मिले हैं तो एक रुपया घर वालों को खिलाओ, एक रुपया दीन की राह में लगाओ, माना समझे आप। तो हम सीखते नहीं हैं, हमारी जो जबान इस वक्त हम बोलते हैं उर्दू, उसमें तकरीबन 500 अरबी के अल्फाज हैं, 2,500 और याद कर ले तो आपके सारे झगड़े खत्म हो जाए। इंसान तीन लफ्जों से बना है, ध्यान से सुनना, कितने लफ्जों से? आनासा, आनासा नसिया, पहचानता है, मानूस होता है, भूल जाता है, ये इंसान के माना है। होता है ऐसा ही आपसे नहीं? किसी से वो देखा, पहचाना, दोस्ती हो गई, भूल गए, जिन्ना बाजो पल नहीं सी लंबे और शक्लां याद न रहियां। होता ऐसा या नहीं? ये इंसान, अब मैं लफ्ज़े सिर्फ इंसान पर गुफ्तगू करूं सारी तकरीर उस पर चली जाएगी, लेकिन इस इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। मखलूकात का मतलब अल्लाह ने जितनी चीजें बनाई उनमें इसका दर्जा ज्यादा, इसके माने हुए अशरफुल मखलूकात। तो क्यों मुझ में और आप में क्या खूबी है कि ये इंसान अशरफुल मखलूकात हो गया? कि मेरी तुम्हारी खूबी नहीं है, ये अशरफुल मखलूकात इसलिए हो गया कि मेरा नबी इंसानों में आया। हमें इज्जत मिली है, ये इंसान इज्जत वाला बना है इसलिए कि नबी इंसानों में आया। लेने वाले में और देने वाले में मुनासिबत होनी चाहिए, मुश्किल लफ्ज है, देने वाले में और लेने वाले में मुनासिबत होनी, वरना लेने वाला ले नहीं सकता देने वाला। हमें लेना था अल्लाह से, अल्लाह ने देना था हमें, अल्लाह ने देना और हमने लेना कैसे? वो बहुत कभी हम उसके बनाए हुए सूरज को नहीं देख सकते तो उसको कैसे देखें? कि माइक आप हटा दें, स्पीकर हटा दें, मेरी आवाज शायद आखिरी आदमी नहीं सुन सकेगा। एक हद है हमारे सुनने की, देखने की हद। मेरे दोस्तों मैं बहस में नहीं जाता, अल्लाह बहुत कभी, हम बहुत कमजोर, हमने लेना उसने देना। तो लेने और देने वाले में मुनासिबत, अल्लाह ने हमारे और अपने दरमियान नबी को वास्ता बना दिया है। आओ आसान करके समझाऊं, रोटी खाते हो? चलो जितने खाते हैं उन्होंने कहा बाकी को अल्लाह तौफीक दे, मस्जिद में कहता ना लगाना, बाकी को अल्लाह तौफीक दे, खाया करो रोटी, बहुत अच्छी चीज होती है। रोटी को कौन सी चीज पकाती है? बिल्कुल सही जवाब, आग। आटा लेना, पानी मिलाना, गूंद लेना, गूंदने के बाद पेड़ा बना लेना, पेड़ा बनाने के बाद हाथ से या बेलन से फैला लेना,
फैलाकर आग पे डाल देना, रोटी पक जाएगी। अभी मस्जिद में बैठ के आपने कहा कि रोटी को आग पकाती है, अब आप कह रहे हैं कि रोटी को आग पे डालेंगे नहीं पकेगी। क्यों? कि आग की कुव्वत ज्यादा है, आटा उसके मुकाबले में कमजोर है, वो उसको जला देगी, आग उसको जला देगी, रोटी नहीं मिलेगी। तो रोटी तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, क्या करें? समझदारों ने आग और आटे के दरमियान तवे को वसीला बना लिया। तवे को, तवे के दो रुख हैं, एक रुख आग की तरफ और एक रुख रोटी की तरफ। एक तरफ से ले रहा है, दूसरी तरफ दे रहा है। तवा निकाल दो, रोटी मिलती नहीं। समझदारों, बगैर वसीले के रोटी नहीं मिलती, बगैर वसीले के रब कैसे मिल जाए? खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे, खुदा किसको कहते थे क्या जानते थे, वो तेरी जुबान से सुना है मोहम्मद। हमें तो रब भी मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। मेरा जुमला टीवी पे सुना होगा, जिस बारगाह से रब मिला है उसी बारगाह से सब मिला है। समझ आई बात? फैला नहीं सकता, टाइम नहीं है, मौजू है अलग। ये तो मैं अभी शुरू कर रहा हूं, तकरीर अभी शुरू नहीं हुई, ध्यान देना। पहले आपको मैंने बताया इंसान, इस इंसान में शक्ल का नाम इंसान नहीं है, शक्ल का नाम ऊंची गई है। शक्ल तो औरों के पास भी है, परिंदों के पास भी है, जानवरों के पास भी है, दरियाई मखलूक सबके पास शक्ल है या नहीं है? ऊंची तो शक्ल का नाम इंसान, रंग का नाम भी इंसान। जी गोरा है, सुर्ख है, काला है, सांवला है, पक्के रंग का है जी, कच्चे रंग का है जी, पीला है, नीला है, इस रंग का नाम भी इंसान। एक फिगर ऊपर से लेके नीचे तक साइज जी 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, कुछ ज्यादा हो जाए मुझे एतराज नहीं है, इसका नाम भी इंसान नहीं है। ये इंसान किसका नाम है? उसको देखो जिसकी वजह से इंसान को इज्जत मिली है। उन्होंने आके दिखाया है कि इंसान किसको कहते हैं, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, लफ्ज कैसे अदा करने हैं, मिलना कैसे है, उठना कैसे, बैठना कैसे। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा नमूना अता फरमा दिया, इनको देख लो, इन जैसे हो जाओ तो मेरे हो जाओगे। छोटी सी मशीन आप अल खैर स्टोर से ले लेना, अटक में बड़ा मशहूर है ना ये अल खैर, पूछ रहा हूं आपसे, छोटी सी, उसके साथ इंग्लिश में उसको मैनुअल कहते हैं, हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल होता है या नहीं? अगर उसके खिलाफ करें तो वो चीज काम देगी ऊंची नहीं। तो हर एक के साथ वो कैटलॉग, वो किताब, या जो छोटी मशीन हो, छोटा सा कागज, बड़ी मशीन हो तो पूरी किताब, के कैसे इस्तेमाल करना है। ये बंदा जिसमें 10 मिलियंस फैक्ट्रीज, 1 मिलियन 10 लाख का, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ को 10 लाख से जरब दो, इतने कारखाने इंसान के अंदर लगे हुए हैं। ये साइंस बता रही है कि 1 करोड़ को 10 लाख से आप मल्टीप्लाई करें, जरब दें, इतने कारखाने इंसान के अंदर। तो इसके लिए भी तो कोई तरीका इस्तेमाल होना चाहिए था ना। रब ने कुरान दिया, रब ने, मगर
बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं पेचीदा, टिपिकल, मुश्किल, उसके लिए पहले माहिर आकर समझाता करके दिखाता है, किताब है मगर वो करके दिखाता है कि इस तरह तो आप इस्तेमाल करते हैं। बिला तशबी अल्लाह ने इंसान बनाया, तरीका इस्तेमाल कुरान दे दिया, समझ नहीं आ सकता था अपना हबीब भी दे दिया। ये कुरान पर अमल करके दिखा रहा है, तुम इसकी अदाओं की पैरवी करते जाना। मुझे दो तरह कुरान मिला है, अरे दो कुरान नहीं, दो तरह कुरान मिला है, एक लफ्जों की शक्ल में, एक अमल की शक्ल में। लफ्जों को देखना हो 30 पारे देख लो, अमल देखना हो सीरत मुस्तफा देख लो। आ गई समझ में? इस मौजू को यही छोड़े, आ जाए लफ्ज मुसलमान पर। मैंने कहा ना ये पूरा इंसान, कुरान का मौजू ही इंसान है। कुरान का मौजू क्या है? इंसान। तो 30 पारे में कोई घंटे में तो नहीं बयान कर सकता ना, झलक दिखाई। लफ्ज मुसलमान, मुसलमान के माना है गर्दन रख देने वाला। मुसलमान के माना क्या है अब तो नहीं भूलोगे ना? गर्दन रख देने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुने, गर्दन रख दे। क्यों है? इफ बट, अगर मगर नहीं, चीज कबूल है। रोजे क्यों फर्ज किए? ये क्यों नहीं, कबूल है। नमाज क्यों है जी? कबूल है। क्यों? इसकी गुंजाइश। मौलवी साहब क्यों इन्नी इबादत रखी ने रब ने? ये क्यों की गुंजाइश नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें मौका दिया। जब इस उम्मत का हाल हजरत मूसा अलैह सलाम ने सुना था, अल्लाह से अर्ज की मौला ये उम्मत मुझे दे दे, अल्लाह ने फरमाया दे चुका हूं, अब नहीं मिल सकती। मूसा अलैह सलाम ने जब आपका हाल सुना कि आप कैसे अमल करेंगे, क्या करेंगे, तो कहा या अल्लाह ये उम्मत मुझको दे दे, अल्लाह ने फरमाया जिसको देनी थी दे। या अल्लाह उम्मत नहीं मिल सकती तो उस उम्मत में से कर दे। वो मूसा अलैह सलाम उलुल अज़्म रसूल, मेरे नबी के उम्मती होने के तमन्नाई, और हमें मिला हुआ है तो हम क्यों करें, अगर मगर करें। मोहब्बत वाला तो वो है नाज करे कि मुझे आका ने चुन लिया है। और मिलाद मनाने वालों, अगर अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर आए हो और कुर्बानी दी है नींद की, ये जाया नहीं जाएगी, इंशाल्लाह कब्र में भी काम आएगी। समझ आ रही है बात? मुसलमान के माने गर्दन रख देने वाला। आ गई समझ में? अब एक मोमिन होता है, एक मुस्लिम होता है। मुसलमान के माना तो सुन लिए, मोमिन के माना क्या है? आप कहेंगे ईमान वाला, आओ मैं आसान लफ्जों में समझा दूं। मुसलमान वो जो इस्लाम में आ गया। मुसलमान कौन? एक बार और कहिए, मुसलमान वो जो इस्लाम में आ गया, मोमिन वो जिसमें इस्लाम आ गया। समझ गए? मुसलमान वो जो अल्लाह को माने, मोमिन वो जो अल्लाह की माने। अब समझ आ रही है बात? ये मैंने सिर्फ झलकियां दिखाई। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं उसने इंसान बनाया। वो जानवर बना देता हम एतराज कर सकते थे, उसका शुक्र के उसने इंसान बनाया, और ज्यादा शुक्र के मुसलमान बनाया। हम मुसलमान होने के दावेदार भी बहुत हैं, जानते हो ना? पूछ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, मुंह का जायका खराब हो जाता है, जानते हो ना? दावेदार है कोई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, फिर भी कहता मुसलमान। कोई नबी की तौहीन करता है, कहता मुसलमान। कोई अल्लाह की तौहीन करता है, कहता मुसलमान। कोई सहाबा की, कोई अजवाज मुतहरात, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, फिर भी कहता है
कोई औलिया का मजाक उड़ाता है फिर भी कहता है मुसलमान, दावा तो वो करते हैं लेकिन सुनो जो वो हैं उनका हाल आपको मालूम है, वो इस्लाम में पूरे नहीं है, उनका दीन के अंदर दाखिल होना साबित नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र उसने इंसान बनाया, अल्लाह का और ज्यादा शुक्र कि उसने मुसलमान बनाया, और ज्यादा शुक्र कि नबी का गुलाम बनाया। गुलाम की अपनी कोई मर्जी होती है? सोच के जवाब देना, सोच के। गुलाम की अपनी मर्जी होती है? बदलोगे तुम्हें? बाहर निकल के कहो के ऐसे ही कह दिया था, मजबूरी थी? पक्की बात है ना, गुलाम की अपनी मर्जी होती? ऊंची और ऊंची? क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं? कौन कहेगा नहीं है? कौन कहेगा नहीं है? जब आप कह रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी क्यों चल रही है, नबी की क्यों नहीं चल रही है? लिबास आप अंग्रेजों का पहने, जबान आप उनकी, तर्ज उनके महाश, उनकी फिक्र, उनकी ख्याल, उनके दिमाग पर वही सवाल, सारी बातें कुछ हिंदुओं की, कुछ अंग्रेजों की, कुछ दूसरों की, गुलाम है नबी के। क्या हम साबित कर सकेंगे? ऊंची? अब ये आपने सोचना है कि अगर दावा है गुलामी का तो गुलाम होना कैसा चाहिए। हम हैं हनफी, मजहब हमारा, दीन हमारा इस्लाम, मजहब हमारा हनफी, मसलक हमारा अहले सुन्नत व जमात, मजहब रास्ते को कहते हैं, दीन पे चलने का रास्ता। मजहब हनफी के एक बहुत मशहूर इमाम, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द, उनका नाम था इमाम मोहम्मद। वो किसी इलाके में गए तो वहां पर एक गैर मुस्लिम रहता था, मुसलमान ने, उसने सुना कि हजरत मोहम्मद आए, वो समझा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसने उन्हीं का नाम सुना हुआ था, वो देखने आया, देखा तो देखकर मुसलमान हो गया। कैसे मुसलमान हुआ? आवाज आए किसको? आप समझे ही नहीं बात को। उन्होंने उसको बुला के कोई तबलीग की थी? उन्होंने उसको कोई बातें सुनाई थी? देखकर, सिर्फ सिर्फ कहने लगा, जी मेरा बहुत शौक था, मैं बहुत अरसे से आपसे मिलना चाहता था, मैंने आपकी बड़ी बातें सुनी, मेरे बड़े भी आपकी बातें, और लोगों ने कहा ये वो नहीं है, तू आका मोहम्मद की बात कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो ये उनके गुलाम है। तो उस गैर मुस्लिम ने मुसलमान होते ही क्या कहा, और जब गुलाम की ये शान है, आका की कितनी शान है। हम जहां से गुजरे कोई हमें देख के कहता है गुलाम मोहम्मद जा रहा है?